हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल ब्रदर्स पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा यूनिक है। मैंने सोचा कि लोगों को व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में नहीं पता है, तो मैं व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में आप सबको बताऊं। तो दोस्तों, मेन जो चीज़ें हैं फेसबुक ने अरे कहना क्या चाहते जो खरीदा है व्हाट्सएप, उसने निकाली फैब की ये पॉलिसी थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने इसको कर दिया फॉरवर्ड। और अब 15 मई लास्ट डेट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो 15 मई के बाद आपके अकाउंट को हो सकता है बहुत कुछ। तो मैं अब बताने लगा हूँ कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या इसमें फॉल्स है, क्या कुछ अच्छा है। उससे पहले सबसे ज़्यादा पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। दोस्तों, तीन मेन चीज़ों जो व्हाट्सएप ने अभी बताई हैं वो ये है। पहली कि आपकी चैट्स इंक्रिप्टेड ही रहेंगी, कोई आपका डाटा किसी को ऐसे पता नहीं चलेगा। दूसरी, फेसबुक के साथ ये कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। अब इस पे दोस्तों मेन ये चीज़ है कि फेसबुक का आपको पता है टट्टू किसी को कोई भरोसा नहीं है, कितना डाटा ब्रीच हुआ है इस पे, आप सब लोगों को इसकी ज्ञानता है। और दोस्तों मतलब मैं कैसे बताऊं, अब व्हाट्सएप कहता है कि मेरे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, आपने आना नहीं आना आपकी मर्जी, पहली फुर्सत में आप लोग निकलो, पहली फुर्सत में निकल लो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कैसे ऐसे कोई कंपनी कर सकती है, समझती क्या है, आप खुद जानते हैं ऐसे करना चाहिए हम जैसे मासूम लोगों के साथ। तो दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि पॉलिसी जो है वो हमने इसलिए निकाली ताकि बिजनेस इसको प्रमोट कर सके, थर्ड पार्टी के थ्रू ये आपके डाटा को बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे, जिससे बिजनेस अपने आप को प्रमोट कर जाएंगे, फ्लरिश कर पाएंगे। तो मेन दोस्तों यही चीज़ें थी। अब अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की 15 मई के बाद भी, तो एकदम आपके डाटा को ये डिलीट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी नोटिफिकेशंस को कम कर देंगे, चैट्स आप नहीं भेज पाएंगे और फिर इवेंचुअली आप खुद ही डिलीट कर देंगे जब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसको घंटा रख के क्या करोगे आप लोग। अब रोल आता है मेरा। अब मैं आपको क्या कहूँगा, नवी वीडियो दोस्तों मैं आऊँगा जल्दी ही लेके आऊँगा, जिसमें इसके ऑल्टरनेटिव्स आपको पता चलेंगे कि कैसे, दो तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं जो मेरे माइंड में भी हैं, वो मैं लाऊँगा। उसका पूरा इंटरफेस बताएंगे कैसे क्या है, आपको जो बेस्ट लगे आप डाउनलोड कर लेना, यूज़ करना, दोस्तों को भी शेयर करवा देना। तो मेरे लिए दोस्तों मेन यही है। और लेकिन एक चीज़ और है, मुझे गवर्नमेंट पे अपने बहुत नाराज़ है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेस किया। उन्होंने कहा कि ये मिसलीडिंग है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप प्रॉपर बताइए कि यार ये पॉलिसी है क्या। अभी तक व्हाट्सएप का इस पर कोई भी मैं कहूँ जवाब नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए मुझे अपनी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा नाज़ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों जय हिंद। See the horizon, turn around.